हेलो माय लिटिल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और एज यूजुअल मैं प्रे करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और हेल्दी हो। तो हैप्पी विजयदशमी आप सभी को। तो चलिए, आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मेरी रेसिपी है बिल्कुल वेज रेसिपी, और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की रेसिपी जो कि सोयाबीन डाल के बहुत ही टेस्टी होती है रोटी के संग, चावल के संग। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। तो चलिए, पहले हमने पत्ता गोभी को अच्छे से धो लिया है और उसे कट करके कुकर में डाला है। हल्दी नमक के साथ दो सीटी लगाएंगे, थोड़ा सा हाफ कप ऑफ पानी डालेंगे हम इसमें, और दो टमाटर डाल के इसे दो सीटी लगा लेंगे। तब तक हमने सोयाबीन को भिगोया था, थोड़े से गर्म पानी के साथ भिगो के रखेंगे उसको। और फ्राई पैन पे डाला है मैंने ऑयल, सरसों का तेल डाला है, उसमें डालेंगे तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद कटे हुए आलू डाल के हम इसे फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे तब तक कि हमारी पत्ता गोभी जो है अच्छे से गल चुकी है, सीटी मार चुकी है दो सीटी, और इसे हम अच्छे से मैश कर देंगे चम्मच से। मैश करते हुए थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है हमने, पानी ही बहुत कम पानी डाला था, थोड़ा सा हाफ कप पानी डाला था। और टमाटर को अलग कर दिया है, उसे मैश करके रख दिया है पत्ता गोभी को। आलू अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मैंने इसमें एक प्याज डाली है और उसे भी फ्राई करेंगे अच्छे से। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हमारे भिगोए हुए जो सोयाबीन है उसे अच्छे से धो लेंगे और उसे अब इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मसालों के संग मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम के साथ इसे फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि सोयाबीन का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुन जाए, वो अच्छा सा थोड़ा कलर उसका चेंज हो जाए, तब तक हम भुनेंगे इसे। देखिए सोयाबीन अच्छे से भुन चुकी है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और इसमें अब डालेंगे हम जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो है हमारी कढ़ाई में चिपक नहीं जाए, हल्का सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हुए भूनेंगे। और इसमें मैंने वो टमाटर जो बॉईल करके रखा था उसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया था, और उसे भी सब्ज़ी में डाल के अच्छे से मसालों को भूनते जाएंगे मीडियम फ्लेम करके। और अब जो है मसाले अच्छे से भुन चुकी है, जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा अच्छे से खुशबू आने लगेगी मसालों में से, उसके बाद हम डालेंगे पत्ता गोभी जो हमने अच्छे से मैश करके रखा था थोड़ा सा, और उसे डालते हुए हम अच्छे से मीडियम फ्लेम करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ। अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए हम इसे अच्छे से मसालों को भूनेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा चटपटा करने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डालिए। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, जूसी चाहिए तो आप 2 कप डालिए, वरना आप 1 कप डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद जैसे उसमें उबाल आ जाएगी, थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें घी हम ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी फ्लेवर और खुशबू आने लगे। लास्ट हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और फ्रेश धनिया की पत्ती के साथ रेसिपी एंड करेंगे। और अब बस हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, हमारी जो सोयाबीन वाली पत्ता गोभी की सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।